इस वेरिएंट में आपको सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें मिलेगा आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। दोस्तों हाल ही में किया ने सोनेट का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था और अभी उसके ड्राइव चल रहे हैं, पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए और अगर आप कौन सा वेरिएंट खरीदेंगे तो वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं किया सोनेट के सारे वेरिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों किया सोनेट में आपको 7 अलग अलग तरह के वेरिएंट्स मिलने वाले हैं और इन वेरिएंट से पहले मैं आपको इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस और इंजन ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। तो इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, फिर आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन और तीसरा आपको ऑप्शन मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। और अब चलते हैं इसके वेरिएंट्स की ओर और आपको बताते हैं कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो इसमें सबसे पहला वेरिएंट आता है HTE वेरिएंट। HTE वेरिएंट में अगर बात की जाए तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मिलता है आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसके फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा और मिलेगा 4.2 इंच का कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। साथ ही में इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है और सेमी लेदरेट सीट्स मिलते हैं विद ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। और रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं और इसमें आपको 4 अलग अलग तरह के कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगला वेरिएंट है HTK वेरिएंट। HTK वेरिएंट में भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसके और फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 16 इंचेस के आपको ड्यूल टोन स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं और साथ में मिलेगा आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर और 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है और रेयर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे सन शेड कर्टेन्स ऑफर किए जाएंगे। और इसके कलर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वेरिएंट की ओर, जो कि है HTK प्लस वेरिएंट। HTK प्लस वेरिएंट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। बाकी इसके जो टर्बो पेट्रोल वाला इंजन ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा। साथ ही इसमें मिलेगा आपको फुल्ली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, स्टार मैप्ड LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, DRLs मिलेंगे और साथ ही में आपको स्टार मैप LED टेल लैम्प्स भी मिलने वाले हैं। और सामने की तरफ मिलेंगे आपको देखने को आइस क्यूब LED फॉग लैम्प्स। इसी के साथ मिलेगी आपको स्मार्ट की और पोस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन की भी सुविधा। इसके कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको 7 अलग अलग तरह के कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले वेरिएंट की ओर, जो कि है HTX वेरिएंट। और इस वेरिएंट में आपको सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें मिलेगा आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मिलेगा आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और DCT। इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, क्राउन जूल, LED हेडलैम्प्स, रेयर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। और इंटीरियर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक कलर का सेमी लेदरेट सीट्स यहाँ पे ऑफर की जाएंगी कुछ वेरिएंट्स में और साथ ही में आपको कुछ वेरिएंट्स में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलने वाला है। इसमें आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसमें आपको बैक में 60-40 का स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वेरिएंट की ओर, जो कि है HTX प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट टेक लाइन का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है और इसमें आपको मिल जाएंगे 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और इसमें आपको मिलेगी 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का आपको मिलेगा इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन। साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी और इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी, बोस के प्रीमियम 7 स्पीकर्स मिल जाएंगे इसमें आपको और साथ ही में इस वेरिएंट में आपको एयर प्योरीफायर मिलेगा। इसके कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको 9 अलग अलग तरह के कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ ड्यूल टोन कलर्स भी शामिल हैं। HTX प्लस वेरिएंट के अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें आपको
मैनुअल और आईएमटी ऑप्शंस के तौर पे मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं जीटी लाइन की तरफ और जीटी लाइन में आपको एक ही वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि होगा जीटीएक्स प्लस वेरिएंट। जीटीएक्स प्लस वेरिएंट की अगर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको लेवल 1 का एडास मिल जाएगा जिसमें आपको 10 अलग अलग तरह के ऑटोनोमस फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही में इसमें मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरा और इसमें आपको मिल जाएंगे 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है जिसको आप 4 अलग अलग तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो 9 अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अगर इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि आएगा डीसीटी के साथ, और साथ ही में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि आएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अब बढ़ते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की ओर जो कि है एक्स लाइन। एक्स लाइन में आपको एक ही कलर मिलेगा जो कि होगा मैट ब्लैक तरह का कलर, यहाँ पे इस्तेमाल करती है हमेशा से किया अपने एक्स लाइन वेरिएंट्स के लिए, और आपको यहाँ पे यही कलर ऑप्शन के तौर पे मिलने वाला है। इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको एडास लेवल 1 मिल जाएगा विद 10 ऑटोनॉमस फीचर्स, एंड इसमें मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरा, आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और आपको मिलती है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जिसको आप 4 अलग अलग तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और साथ ही में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। तो अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर बात करनी हो तो यहाँ पे HTX प्लस जो वेरिएंट है जो कि टेक लाइन में सबसे टॉप एंड वेरिएंट है वो एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप एक ऐसी गाड़ी खोज रहे हैं जिसमें आपको एडास के फीचर नहीं चाहिए और थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये वेरिएंट आपके लिए फॉर श्योर बना हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वेरिएंट एक्सपीरियंस का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मिस ना कर सकें।